शाहजहल में जी 15 सालों से तो आप ही हैं एमसीडी में, तो जवाबदेही तो सबसे ज्यादा बीजेपी की ही बनती है। और कूड़े का पहाड़ अगर खड़ा है उसको 15 सालों में खत्म कर पाने में कामयाबी नहीं मिल पाई है, बार तो सवाल आपसे पूछे जाएंगे शाहजहल जी। जी बिल्कुल चित्रा जी, अरविंद केजरीवाल हर जगह कैंपेनिंग कर रहे हैं और एक दिन के लिए वो दिल्ली आए जब नगर निगम चुनाव का ऐलान हुआ। एक चीज होती है लैंडफिल, और आपको मैं बता दूं कि 1-2 लाख मेट्रिक टन से ज्यादा कूड़ा जो होता है उसमें 80,000 हटाया गया है, क्योंकि जगह जगह से जो ढलाव होते थे उनको साफ किया गया है। जहां तक बात है एमसीडी के पास उस तरह का बजट नहीं है इश्तेहारात देने का जिस तरह से आम आदमी पार्टी का है, और हम जानते हैं दिल्ली के मुख्य सचिव को कैसे मारपीट कर उन्हें वो बजट बनवाया और किस तरह से इश्तेहारात इनके होते हैं। अभी कोई जनाब बड़े महान बन रहे थे, वो कह रहे थे कि आप जनता नहीं है प्रवक्ता है, जो जो टैक्स देता है ना वो सब जनता है, चाहे वो प्रवक्ता हो चाहे वो वकील हो चाहे ना हो। अब देखिए इतनी ज्यादा होशियारी से कुछ फायदा नहीं होने वाला है। और सबसे जरूरी बात जो पार्टी भ्रष्टाचार, बोलने दीजिए मुझे, बोलने दीजिए, तमीज थोड़ा आपके वक्त में मैं नहीं बोली। एक एक सोचिए, सत्येंद्र जैन के हाथ पैर दबाए जा रहे हैं ऐसे बेकार और गलीज से लोग कि जेल में कह रहे हैं कि उनको उनको स्पाइन का प्रॉब्लम है, फिर कह रहे हैं फिजियोथेरेपी है, फिर कह रहे हैं सीसीटीवी फुटेज नहीं होना चाहिए, अब फुटेज निकल कर कह रहे वेट कम हो गया, वेट एक्चुअली बढ़ गया, तो देखिए जवाब नहीं दे पा रहे तो पीछे बोल रहे हैं। इसलिए मैं बता रही हूँ, ये लोग इतने गलीज हैं। और सतीश जी जब आप बोल रहे थे वो नहीं बोल रही थी, दोनों लोग बोलेंगे समझ में नहीं आएगा, प्लीज उनकी बात करना चाहिए। हाँ बोलिए बोलिए, 15 साल और चाहिए बोलूंगी, क्योंकि जो साहब बीच बीच में उचक उचक के बोल रहे थे कूड़ा काफी बौखलाए हुए थे, तो इसलिए जो उचक उचक कूड़े के ढेर पर ही वोट पड़ेंगे आम आदमी पार्टी लगातार ये दावे कर रही है, ज्यादा बौखलाए नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कूड़े का ढेर नहीं है वो, जो है वो ढलाव मुक्त दिल्ली हुआ है, वो लैंडफिल है जिसका एक कूड़े का ढेर बता रहे थे। और दिल्ली अभिषेक सुधीर जी प्लीज, ये तरीका ठीक नहीं है, प्लीज उनको बोलने दीजिए आप, ये तरीका जाकर हम लोग यहाँ पे खास रहे हैं। दिल्ली का एक एक बोलिए बोलिए, दिल्ली का एक एक बच्चा एक एक परिवार जो खास रहा है, क्या क्या बड़ी बड़ी बातें थी, मतलब हर एक चीज में आप देखिए क्या कहते थे और क्या हुआ, मतलब झूठ बोलने की मशीन है ये आदमी और ये सदी का महाठग है। तो अगर लोग उस पार्षद को जिताना भी चाहते हैं जो जो 80 लाख रुपए दे के गया है, तो वो सोच सकते हैं आगे क्या होने वाला है। 8 लाख रेहड़ियां नियमित करेंगे बीजेपी की ओर से, ये भी दावा किया जा रहा है। मतलब एक और रेहड़ियां अगर आप नियमित करेंगे तो अभी तक नियमित क्यों नहीं की 15 साल से आप बीजेपी एमसीडी में, ये सवाल पूछा जा सकता है। और दूसरी बात ये है कि देखिए आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच जो लगातार आरोप प्रत्यारोप की राजनीति हो रही है, दिल्ली की जनता इस मामले में बिल्कुल स्पष्ट है, उसको मालूम है कि विधानसभा में किसको वोट देना है, एमसीडी में किसको देना है, लोकसभा में किसको देना है, और ये नतीजे बता देंगे। मुझे खाली जो है भरद्वाज जी बैठे हुए हैं, जबकि ये 8 साल से दिल्ली की सत्ता से बाहर है, 9 साल से, और एमसीडी में 15 साल से बाहर है, इनकी जवाबदेही नहीं है, फिर भी ये अपने पक्ष माहौल क्यों नहीं बना रहे हैं, बना पा रहे हैं, जबकि शीला दीक्षित का एक बहुत बेहतरीन मॉडल दिल्ली की जनता ने देखा है, को भी लेकर आ गए। हाँ तो ये जिस इनकी... पर हमेशा क्वेश्चन होता रहा है, और बीजेपी तो उसको मुद्दा बना लेती है, जैसे ही वो चेहरा सामने मुद्दा तो जगदीश टाइटलर को आप लेके आए, ठीक है जगदीश टाइटलर कांग्रेस के नेता है, वो आएंगे वो नहीं आएंगे बीजेपी मुद्दा बनाएगी, लेकिन सवाल है पार्टी को जिस आक्रामकता के साथ चुनाव लड़ना चाहिए दिल्ली के अंदर, जबकि कोई उसके ऊपर बैगेज नहीं है, जो बैगेज था 2013 में उतर चुका है, उसके बावजूद अगर आप विधानसभा चुनाव में और एमसीडी के चुनाव में कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कमजोरी है कांग्रेस पार्टी। क्यों, क्या वजह है कि उस तरह से आक्रामक नजर नहीं आ रही है कांग्रेस पार्टी? मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी के पास, मुझसे पूछ रही है, हाँ आप ही से, मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी के पास दिल्ली को लेकर कोई सही नीति नहीं है। पहली बात तो यह है कि दिल्ली को लेकर के, दिल्ली इतना छोटा सा एक सिटी स्टेट है, कांग्रेस चाहती, राहुल गांधी पूरे देश की पदयात्रा कर रहे हैं, क्या दिल्ली के नेता दिल्ली की पदयात्रा नहीं कर सकते क्या, दिल्ली की समस्याओं को लेकर के? लेकिन पिछले 8 साल से जब से दिल्ली से सत्ता से बाहर है, एक आंदोलन बता दें कोई बड़ा, राहुल जी तो गुजरात में भी उस तरह से नजर नहीं आए। नहीं मैं तो दिल्ली के नेताओं की बात कर रहा हूँ, राहुल जी जो कर रहे हो तो राहुल जी उसका अलग विषय है, लेकिन दिल्ली के नेता क्या कर रहे हैं, कि चाहे वो अजय माकन हो जो दिल्ली के रहने वाले हैं, चाहे और जो तमाम सारे नेता अनिल चौधरी हो, जो जितने लोग हैं, बिल्कुल दिल्ली में कौन सा आंदोलन जब किया तक है? सत्ता में थे तब तक तो खूब नजर आते थे अनिल भारद्वाज जी, सत्ता से बाहर क्या हुए, खुद को गायब ही कर लिया सड़क से। अरे नेता जमीन से जुड़ा हुआ होता है, चुनावों के दौरान तो कम से कम अपनी सूरत दिखाता है।
लेकिन यहाँ से अगर आपके बड़े बड़े नेता नदारद रहेंगे तो चुनाव कैसे लड़ेगी कांग्रेस पार्टी? 1998 में शीला जी ने इतनी मेहनत की थी दिल्ली, मुझे याद है बीजेपी की सरकार जब बिल्कुल बिल्कुल और उसका नतीजा था कि शीला जी चुनाव सरकार हाँ, और कितने लंबे सालों तक वो दिल्ली के शासन में रही। अनिल भारद्वाज जी, हाँ चित्रा जी, हम विनोद जी का बहुत सम्मान करते हैं, उन्होंने कई बातें ठीक कही, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमने पोल खोल यात्रा 70 विधानसभा में और 272 वार्ड में 1.5 साल के अंदर निकाली है। उसमें हमने दिल्ली के हर मुद्दे को, जो जनहित का है, जन कल्याण का है, जिसको वाद विवाद में छोड़ा जा रहा है, वो सारी आवाजें उठाई है। सवाल ये है आज के जो लोग सत्ता में है वो जवाबदेही की जगह वो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, उसके बीच में दिल्ली की जनता का कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। सवाल 2007 में जब भाजपा ने शुरू की थी बारी तो इन्होंने कहा था 100 मल्टी लेवल पार्किंग बनाएंगे। दिल्ली में बड़ी परेशानी है, पार्किंग का बड़ा मुद्दा है बिल्कुल, लेकिन कितनी बनी? 14 पार्किंग बनी। हम पूछना चाहते हैं कि आपने ये कहा कि दिल्ली में कूड़े के पहाड़, कूड़े के पहाड़ पर जब कांग्रेस की सरकार थी तो पॉल्यूशन, जिसमें अगर एयर पॉल्यूशन की बात हो रही थी तो हम पूरे पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को सीएनजी पर क्लीन फ्यूल पे लाए थे, हमने थर्मल पावर स्टेशन बंद किया था, दिल्ली को गैस चैम्बर नहीं बनने दिया था, 300% ग्रीन पैड बढ़ाया था। हाँ। और जो कूड़े के कूड़ा करकच है, 80 एकड़ का पूरे कूड़े पे बना हुआ, आप देखिए मिलेनियम पार्क जो रिंग रोड पे है, 80 एकड़ का हमने एक बड़ा पार्क यहाँ बनाया, 3 और बड़े पार्क बनाए, जिनसे अगर इतना काम किया अनिल भारद्वाज जी तो फिर जी। इतने लंबे अरसे से एमसीडी से भी कांग्रेस गायब रही और आम आदमी पार्टी के आने के बाद भी कांग्रेस गायब हो गई है और लोकसभा में तो चुना ही नहीं जाता है। आप सोचिए कभी दूसरे नंबर पर, कभी तीसरे नंबर पर, तो कांग्रेस के भीतर ऐसी स्थिति क्यों बन गई है, इस पर आप लोगों को मंथन किए जाने की जरूरत है। लेकिन सैयद अब्बास साहब, आपके पास आते हुए, जब इतने बड़े बड़े मुद्दे हैं, कूड़े का पहाड़ और ढेर खड़ा हुआ है, उसी पर वोट पड़ेगा, आम आदमी पार्टी दावा कर रही है, तो बीजेपी के पिताजी को लाने की क्या जरूरत है? ये कौन सी भाषा है? देखिए, भाषा तो हमें शाजिया जी और उनकी पार्टी ने भी बहुत कुछ कहा है, पाखंडी, चोर, डकैत वगैरह वगैरह। मुद्दे की बात ये है, बस दो पॉइंट रखूंगा मैं चित्रा जी, अभी जो अनिल साहब बात कर रहे थे, जो कांग्रेस की बात कर रहे थे, कांग्रेस आज बाबा आदम के जमाने की पार्टी हो चुकी है। कॉपी करना चाहते हैं? अरे शाजिया जी सुनिए, जवाब है शाजिया जी, हर चीज के लिए भ्रष्टाचार तो औरों ने भी किया है, लालू प्रसाद यादव ने भी भ्रष्टाचार किया है, आपका ये जवाब है? हर बात का ये जवाब है आपका? हर बात का यही है? अच्छा, आप थे संयम में, आप संयम में थे जब मैं बोल रही थी? हार जाएंगे, डोंट वरी। नहीं नहीं, वो सुधीर जी बोल रहे थे, वो अभिषेक सुधीर जी टोक रहे थे, सैयद अब्बास शाह थे, इनको सुनिए। इंदौर शाह जी, आप जवाब दीजिए। चित्रा जी, मेरी बात पूरी कर लीजिए। बोलिए बोलिए सर, बोलिए जी। सुनिए, अभी जो कांग्रेस की बात मैं कर रहा था चित्रा जी, देखिए ये बाबा दानासुर की जमाने की हो चुकी है, चुनाव हो रहा है गुजरात में, ये कर्नाटक में पद यात्रा कर रहे हैं, चुनाव हो रहा है दिल्ली एनसीडी में, ये महाराष्ट्र में कर रहे हैं। उम्र पर हालिब यही बोल करता रहा, धूल चेहरे पे थी, आईना साफ करता रहा। सर, आपको फलने फूलने में तो कांग्रेस ने ही मदद की है ना, सरकार बनवा के पहली बार क्या रहा है? हाँ। आप तो इलेक्शन का है, चुनाव का है, पद यात्रा का है, पहली जानिए। और छोटी सी बात, बीजेपी, आप मुझे बताइए मोहतरमा, ये बीजेपी, मैं मानता हूँ ये कूड़े का कचरे का पहाड़ नहीं, आपके लिए तो ताजमहल है, 3-3 ताजमहल है, ये ताजमहल को कब साफ करेंगे बता दीजिए।